आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा वो पसंद किया और उसका कमेंट बताता है कि आप लोगों को वो चीज़ यूज़ करनी है। मींस मैं यहाँ पे वॉलपेपर की बात कर रही हूँ। मैंने एक था और उसमें हमेशा कमेंट आते रहता है कि मैम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किचन प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम चूने वाले वॉल पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जब लोगों को वॉलपेपर लगाना होता है अपने घर में कहीं पर भी, तो उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि उसे कहाँ लगाए, कहाँ लगाना सेफ होगा, वो टिकेगा कि नहीं। तो आज इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि आप वॉलपेपर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी कहाँ यूज़ करने से। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे सभी को पता चल सके कि वॉलपेपर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने उस वीडियो पे जितने सारे कमेंट किए थे, मैं उसका पहले आंसर दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने पहले कमेंट किया था कि इसे हम बाथरूम में लगा सकते हैं क्या। तो बाथरूम में आप लगा सकते हो, लेकिन आपके बाथरूम में पानी वाली जगह, जैसे कि ज़्यादा उसमें पानी गिरता है, पानी तो बाथरूम में हमेशा ही गिरता ही है। आपने एक वॉलपेपर लगाया है, पानी यहाँ गिरता है ना, तो आपके वॉलपेपर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आपके आपकी जो आपका पानी इस तरह से इस वॉलपेपर के अंदर जाता है तो ये फूल जाता है और बाद में पपड़ी की तरह निकल जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप वॉलपेपर जहाँ लगा रहे हो, डायरेक्ट पानी इसमें जाएगा तो चलेगा, लेकिन इसमें से लीक होके अंदर जा रहा है आपका पानी तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा बात करते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्या इसे हम अपने किचन प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे क्या। किचन प्लेटफॉर्म में आप लगा सकते हो, मैंने भी लगाया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कोई भी नोकेली चीज़ जैसे चाकू वगैरह का काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ा भी उसमें ना स्क्रैच आ जाता है ना, तो वहाँ से वो पानी, भाई तो वहाँ पर पानी का काम हो रहा है। नॉर्मल हम किचन प्लेटफॉर्म के बगल में बेसिन होता है, वहाँ पर हम अपना बर्तन वर्तन धोते हैं, तो उसमें अंदर जाने लगता है और बाद में वो बिल्कुल गंदा हो जाता है और आपको फिर से ना वहाँ से रिमूव कर देना होता है। इससे अच्छा है कि आप वॉलपेपर वहाँ ना लगाएं। तीसरा कमेंट आया था कि क्या इस वॉलपेपर को हम चूने वाले दीवार पे लगा सकते हैं क्या। चूने वाले दीवार पे वॉलपेपर नहीं टिकेगा, क्योंकि आप जानते हो ना, चूने वाले दीवार को आप इस तरह से थोड़ा करोगे तो आपके हाथ में आता है वो। तो ये एक आप समझ लो कि ये वॉलपेपर ना एक सेलो टेप की तरह है। देखो सेलो टेप क्या होता है, एक तरफ से चिकना होता है, दूसरी तरफ गोंद होता है ना। हम जो वॉलपेपर है वो बिल्कुल उसी तरह से है, जहाँ पे सेलो टेप चिपक सकता है, रह सकता है, टिका रह सकता है, वहाँ पे वॉलपेपर रहेगा। जैसे कि आप कोई भी लकड़ी वाले जगह पे लगा रहे हो, कोई भी लकड़ी का टूल है, अलमारी है, ऐसे जगह पे आप लगा रहे हो तो आपका वॉलपेपर टिकेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छा फिनिशिंग आती है उस पर। ठीक है, अलमीरा है, टीने का लोहे का अलमीरा है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे कमेंट भी आए थे, तो वहाँ पे आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, और फ्रिज वगैरह है वहाँ पे लगा सकते हो, कोई मीनर है वहाँ पे, कोई मीनर पे ख़राब हो गया है उसे आप लगाना चाहते हो, लगा सकते हो। ऐसा वॉल जो नॉर्मल जिस पे पुट्टी हुई हुई है, जैसे ये पुट्टी वाला दीवार है, आप इस पे वॉलपेपर लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ये एकदम काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा। ठीक है, एक कमेंट और आया था कि क्या वॉलपेपर हम लगा देते हैं और हम वॉलपेपर को रिमूव करते हैं तो वॉल ख़राब हो जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल, आपका ये वॉल कलर वाला है तो दीवार पूरा ख़राब नहीं होगा, लेकिन आप जब इसे रिमूव करोगे ना तो कहीं कहीं का आपको कलर दिखेगा कि कलर वहाँ वहाँ का निकल गया है, बस यही प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आपका ऐसा दीवार है जैसे जिसमें सीमेंट से पेंट किया हुआ है, ठीक है, कलर नहीं किया हुआ है, तो आप उस दीवार पे आप इसे लगाते हो तो बाय द वे रिमूव करते हो तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सीमेंट वाला है ना। लेकिन हाँ, आप इस वॉल पे लगा सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि अभी इस वॉल पेपर को लगा लिया और बाय द वे कुछ टाइम बाद मुझे पसंद नहीं आया तो दूसरा वॉल पेपर आपको चिपकाना है, तो आप आसानी से इसे रिमूव करके दूसरा वॉल पेपर लगा सकते हो। ठीक है, आप सोचोगे कि नहीं, वॉल पेपर लगा के फिर से हटा देते हैं, नॉर्मल मेरा जैसा दीवार था वैसा हो जाए, तो नहीं होगा, आपका वॉल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं कहीं से पपड़ी की तरह निकल जाता है। वो का ऐसा भी है कि बहुत सारे दीवार डैम्प होते हैं, है ना, पानी पानी वाला जो दीवार होता है, लीकेज होता है वहाँ पे, उस तरह के जगह पे आप वॉलपेपर लगाओगे तो भी वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उस जगह में आप मत लगाइए।
और बहुत कोई कमेंट करते हैं कि क्या इस वॉलपेपर को हम फ्लोर पे लगा सकते हैं। नहीं, आप नीचे फ्लोर पे नहीं लगा सकते। बाय द वे, ये देखो नीचे में बहुत कुछ होता है, हम भारी सामान थोड़ा खिसकाते हैं, फट सकता है क्योंकि वो है कागज़ का, ठीक है। तो आपको फ्लोर पे वॉलपेपर लगानी है, आप उस टाइप का डिज़ाइन सोच रहे हो, तो उसके लिए एक अलग से आता है जो वॉल पे ही बिल्कुल लगाने के लिए पेपर होता है, ठीक है, वो फ्लोर पेपर होता है। तो आप उसे यूज़ करें, इसे मत यूज़ करें, ये वॉलपेपर ही है, लेकिन आप इसे उस जगह में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे डैम्प नहीं है, पानी का लीकेज वगैरह नहीं होता है, जहाँ पे पानी का काम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चूने के दीवार पे नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सब जगह में नहीं कर सकते हो। और जैसे कि किचन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे हम काम करते हैं पानी वाला, तो वो अंदर से जब लीकेज पानी इस तरह से अंदर घुसने लगता है ना, तो वॉलपेपर को वो फूल जाता है अंदर से, और वो जो चिपकाने का जो पावर है वो ख़त्म हो जाता है और आपका वॉलपेपर बिल्कुल निकल जाता है, आपको निकालना ही पड़ता है। तो ऐसे जगह में लगाइए, ठीक है। ठीक है, ये सारे कमेंट आए हुए थे जिसका मैंने जवाब दिया। अब मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ कि वॉलपेपर कहाँ यूज़ कर सकते हो। देखो, सेलो टेप आपने देखा है ना, सेलो टेप जो एक तरफ से बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल चिकना होता है, और दूसरे तरफ गोंद होता है ना, कि हम उसे चिपका सके कहीं पे। जहाँ पे सेलो टेप चिपक सकता है, रह सकता है, ठीक है, टिका रह सकता है, वहाँ पे वॉलपेपर रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेलो टेप में जो गोंद होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉलपेपर में गोंद होती है कि वो कहीं पे भी चिपक जाए। जैसे हम सेलो टेप को पानी वाली जगह में चिपकाते हैं तो वो तुरंत वहाँ से रिमूव हो जाता है ना, तो उसी तरह से आप वॉलपेपर लगा देते हो, वो चिपक तो जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद वो फूल के पपड़ी की तरह निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर सेलो टेप समझ जाओ अच्छे से चिपक जाता है, जैसे कि लकड़ी की जगह में, आइनर पे, कोई भी एकदम प्लेन दीवार पे चिपक जाता है, वहाँ पे वॉलपेपर टिक जाएगा लॉन्ग टाइम तक, कुछ भी ख़राब नहीं होता है वॉलपेपर में। मैंने अपने किचन में बिल्कुल वॉल पे लगाया है, अपने हाफ वॉल पे कुछ नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ना थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है, मतलब लीकेज होता है, डैम्प रहती है वहाँ पे दीवार, तो वहाँ पे क्या हुई है कि वो वॉलपेपर बिल्कुल फूल के ऐसे निकल गया है, ठीक है, वो बिल्कुल रिमूव नहीं हुआ है लेकिन फूल के निकल गया है, मतलब वो कभी भी गिर सकता है, इसीलिए ऐसे जगह पे लगाए मत। तो आशा करती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन थे उसका मैंने सही से जवाब दे दिया है, और आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि वॉलपेपर आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। और उसके बावजूद भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।